और ये आवेदक किया है हम लोगों ने, अगर पार्टी हमें सेवा का मौका दे एक बार तो हम लोग भी आगे कुछ करें। सब जनता अपने ही साथ है, 80% जनता अपने साथ है, ये मेरा सपना है और मैं शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा क्योंकि शिक्षा ही। महिला सुरक्षा को लेकर के कोई प्लान आपने तैयार किया? महिला सुरक्षा के लिए सब जगह चौराहों पर CCTV कैमरे वगैरह लगवा दिए जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों आज हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे मेहमान के रूप में उपस्थित हैं शिकोहाबाद नगर पालिका से चेयरमैन पद के आवेदक श्रीमान अजय कुमार जी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शिकोहाबाद में जैसे कि पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं तो जो चेयरमैन अभी वर्तमान में हैं, आपको क्या लगता है कि उनके जो काम उन्होंने किए हैं पिछले 5 सालों में, वो भी समाजवादी पार्टी से हैं, आप भी समाजवादी पार्टी से हैं, तो कोई काम ऐसे रह गए हैं जो उन्होंने नहीं कर पाए, उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? देखो समाजवादी पार्टी में चेयरमैन हैं तो उन्होंने काम तो संभव तो सभी करवाए हैं, जहाँ संभव हो सका है वो सारे काम कराए हैं, पर जो भी नहीं हुआ है जैसे आउट में या कहीं रोड की पानी की लाइट की सुविधा नहीं है उसको कराया जाएगा। चलिए पार्टी के निर्देशों पर। मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं शिकोहाबाद में? मूलभूत समस्या यही है जो आसपास नजदीक रोडों की समस्या है, लाइट की, CCTV कैमरे युक्त करवाएंगे जिससे छोटा सा कस्बा अपना ठीक रहे, व्यवस्था है उसमें, और सब रोड पानी की व्यवस्था ही करानी नहीं है, नगर पालिका से जुड़ा जो भी काम होगा वो सब कराया जाएगा, आदमी की जो भी समस्या होगी। ठीक है, आपसे सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं। जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन्हें आप अपना परिचय एक बार कैमरे पर दें। नमस्कार सभी साथियों भाइयों बहनों को, मेरा नाम अजय यादव और मैं सुकावाद का निवासी हूँ, मेरा गांव ततावली है और मुझे पार्टी के सभी लोग ज़्यादातर तो जानते ही हैं, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। मैं सन 2005 से 6 से मुलायम सिंह जी हमारे माननीय जी आए थे तिलक इंटर कॉलेज में, तभी से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य, माता जी पिताजी और भाई बहन, सब बच्चे, सब लोग पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। मैं तब चुनाव भी लड़ा 2006 में SRK से, फिर गांव से छात्र संघ का चुनाव लड़ा हुआ जी, उसी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो तो भैया थे डॉक्टर संजय यादव, उन्होंने मुझे पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। सिर्फ सिर्फ जुड़े ही रहे या कुछ काम भी किया? नहीं नहीं, मैंने बहुत काम किया। जो भी प्रत्याशी को पार्टी देती थी हम लोग उसको जिताने का काम करते थे, उसका प्रचार प्रसार का काम करते थे। प्रेजेंट में अभी मुकेश वर्मा जी को चुनाव में लाया गया तो उनको साथ में रहा, अच्छे सांसद जी के साथ भी। वो आपने पार्टी के लिए किया, जनता और समाज के लिए क्या किया? जनता समाज के लिए तो जो भी मेरे से जुड़ा है आता है मेरे पास कोई समस्या को लेकर, तो मैं उसको संभवत पूरी करने की कोशिश करता हूँ अपने सुविधा के अनुसार जी। चलिए अब आपके क्या उद्देश्य हैं जिन्हें लेकर के आप आ रहे हैं? क्योंकि हर एक जो भी एक आवेदक होता है या प्रत्याशी होता है उसका एक अपना एक मैनिफेस्टो होता है कि मुझे ये काम जनता के लिए करने हैं और इसलिए मैं जनता के इस सेवा भाव से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आपके ऐसे क्या प्लान हैं जिनको आप लेकर आने वाले हैं या आपने क्या सोचा है जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखो भैया जनता के लिए सबसे पहले तो सभी सुविधाएं या जनता की जो भी समस्या होती है वो अचानक ही बनती है, जैसे किसी की कोई समस्या है, वो आ गया भैया मेरी ये समस्या है, तो वो समस्या सबसे पहले हल करनी है। कोई आदमी आपसे आया उम्मीद रख के तो उसकी उसका बात सुननी है और उसका काम करवाना है। दूसरी बात सड़क पानी रोड जो भी सुविधाएं हैं ये तो सरकार के बजट से अखिलेश जी के निर्देश अनुसार ही होंगी, जो भी काम होगा पार्टी के अनुसार ही होगा और सब काम आप डिंपल भाभी के चुनाव से देख ही रहे हैं, सब यहाँ से चल रहा है, तो अच्छा पार्टी के लिए संदेश है। और पार्टी का जो भी प्रत्याशी है या अभी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बहुत काम करने का प्रयास किया, अच्छा काम किया है और सही काम कर रहे हैं वो, और ये आवेदक किया है हम लोगों ने, अगर पार्टी हमें सेवा का मौका दे एक बार तो हम लोग भी आगे कुछ करें। ठीक है, आपके साथ में और भी दूसरी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी से या दूसरी किसी पार्टी से भी आवेदन किए होंगे लोगों ने? हाँ।
तो आपको क्या लगता है कि आप उन सबसे बेहतर क्यों हैं? देखो, हम मैं उन लोगों से तो बेहतर इसलिए हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पहले से समाजवादी पार्टी का ही चेयरमैन है और सुखावाद में ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का ही वोटर है 80%, मैं आपको बताऊँ। ठीक है। उसके बाद समाजवादी पार्टी जिसको भी नियुक्त करती है हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वोट करके चुनाव जिताते हैं। ठीक है। आपने कहा कि शिकोहाबाद में अधिकतर वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी का है, कितनी वोटों की संख्या है जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं? लगभग 1 लाख से ऊपर होगी, 25 वार्ड है और सारा ऐसा मेरा गांव है उधर दतावली, तो क्षेत्र का आदमी भी काफी रह रहा है गांव में, सुखावाद में बच्चे पढ़ाने बनाने के उद्देश्य से, तो लगभग 1.25 लाख के आसपास वोटर है तो सब लोगों की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं और हमारे गांव का क्षेत्र का बच्चा आगे बढ़े, इसलिए मैंने आवेदन कर दिया। अब पार्टी का निर्देश है भैया, टिकट मिल जाएगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसको भी टिकट मिल जाएगी उसके साथ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि मुझे नहीं मौका मिला तो जो जिसको मौका मिलेगा उसके साथ, उसके साथ पार्टी के निर्देश मानेंगे। चलिए, अभी शिकोहाबाद में देखिए चेयरमैन एक नगर पालिका का सर्वोच्च पद है और उसको सिर्फ अपने नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने कर्मचारी हैं उनके साथ साथ जो जनता है वहाँ की वोटर, 1.5 लाख आपने 1.25 लाख जो भी बताया आपने, उसके अलावा जो वहाँ की पॉपुलेशन होगी लगभग 2.5 लाख के आसपास तो होगी, तो उन सबका ध्यान रखना होता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और एक जिम्मेवारी वाला पद है, तो आपको क्या लगता है कि आप उस जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे? कर क्यों नहीं पाएंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से सब काम ठीक होगा। ठीक है, आप युवा हैं तो एक युवा होते हुए आप शिकोहाबाद में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? तो सुखावाद हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, आपको भी जानकारी होगी, सभी लोगों को, जो पूरी बेल्ट है सब शिक्षा के लिए, सब वहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं और वहाँ से पढ़ लिख के बच्चे बच्चियाँ अच्छा अपना भविष्य उज्ज्वल कर रहे हैं। मेरी भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो भी अच्छा पढ़ लिख रहे हैं और हो सकता है आगे चल के अधिकारी बने, उनको बहुत अच्छी अच्छी कलाएं, कभी मैं आपसे इंटरव्यू करवाऊंगा उनका। उसमें एक बच्ची को तो ऐसी कला है, वो आँख बंद करके सब कुछ पढ़ लेती है। वाह, हाँ, बहुत अच्छी कला है, बहुत शुभकामनाएं उसको। तो मेरा उद्देश्य है सभी के बच्चे पढ़ें और सभी के बच्चे अधिकारी बने, ये मेरा सपना है और मैं शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा ही दाढ़ेगा। वाह, और आपको क्या लगता है कि शिकोहाबाद में और नगर पालिका में क्या काम होते हैं जो कि एक चेयरमैन को करने चाहिए? पानी और जो सड़क की समस्या है वो तो है ही है, उसके साथ साथ और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें एक चेयरमैन चाहे तो कर सकता है? अब ये तो वहाँ जाके अंदर जाके पता चलेगा उसमें क्या क्या कमी है। देखो, तो अगर गंदगी साफ करनी है तो वहाँ उतरना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत हो रहा है। और संभवतः वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सब अच्छा कार्य करने की, और मेरे बारे में सभी लोग जानते भी हैं, मैं बहुत साफ सभी छवि का आदमी हूँ, किसी से कोई वो नहीं है। और चलिए, हाँ, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार में और कौन है? परिवार में तो सभी लोग हैं, माताजी, पिताजी, भाई बहन। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी कुछ नहीं, सब खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, किसान परिवार से हैं और पार्टी के साथ रहे हैं शुरू से ही, मैं तो जन्म से ही मान लीजिए, मेरे पिताजी भी और सब हम लोग का क्षेत्रीय ऐसा है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा हम किसी को देखना ही पसंद नहीं करते। चलिए, क्या लगता है आपको कि अब जब शिवपाल चाचा भी साथ में आ गए हैं, तो प्रसपा और सपा का विलय हुआ है, शिवपाल चाचा साथ में आ गए तो पार्टी में कुछ मजबूती आई है? तो वो शिवपाल के चाचा के आने से हमारी पार्टी में बहुत मजबूती आई है, डिम्पल भाभी के चुनाव से ही आपको पता चल गया होगा सभी लोगों को, और चाचा के साथ आने से लगभग हम लोग चेयरमैन और महापौर की सभी सीटें जीतने की पूरा प्रयास होगा और मुझे लगता है जीत भी सकते हैं। जनता का मूड क्या दिखता है?
जनता का मूड तो अब सब जनता अपने ही साथ है, 80% जनता अपने साथ है, बीजेपी से सब अब परेशान है। शिवपाल, शिवपाल चाचा ने कहा है कि अब उनका अखिलेश भैया का नाम चेंज हो गया, उन्होंने कहा कि छोटे नेताजी कहेंगे अब सब लोग। हाँ तो उससे क्या क्या लगता है कि पार्टी में कुछ दम आया पार्टी लोगों की मानसिकता में कुछ फर्क पड़ा है? पार्टी में बहुत दम आया है, जब शिवपाल चाचा ने उनको नेताजी ही मान लिया तो अब सब बात खत्म ही हो गई वहाँ, इसलिए अब सब आदेश अखिलेश भैया के ही हैं और पार्टी के सानिध्य में सारा ही काम हो रहा है और लगभग सब सीटें हम जीतेंगे ही जीतेंगे। चलिए अंतिम चलते चलते आप अगर कुछ संदेश या कोई अपील जनता से करना चाहें तो वो। पहले तो मैं जनता को सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा हूँ और सभी को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से यही अपील करता हूँ कि अपना वोट समाजवादी पार्टी को दें। महिला सुरक्षा को लेकर के कोई प्लान आपने तैयार किया? महिला सुरक्षा के लिए वैसे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है सुखाबाद में, पर फिर भी सब जगह चौराहों पर CCTV कैमरे वगैरह लगवा दिए जाएंगे, उससे वैसे सुखाबाद सब जनता ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी वहाँ समस्या नहीं है। चलिए आशा है आपको अजय यादव जी द्वारा दी गई जानकारी और जो उन्होंने वादे दावे किए हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करके इस जानकारी को आगे बढ़ाइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अगर आप किसी और व्यक्ति को यहाँ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके हमें अपनी राय भी भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।